Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बंदूक चाहिए। लाइसेंस। लाइसेंस की कीमत। वंडरफुल, वंडरफुल। व्हाट ए ब्रेव बेबी। बिना लाइसेंस का गन मंगता। जरूर मिलेगा, मुफ्त मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, मगर हमारा घर में। नहीं तो वो सामने पुलिस स्टेशन है, यू कैन गो देयर। वहां से इजीली मिलेगा। चॉइस इज योर्स बेबी। बेबी तुम क्या करता? पुलिस स्टेशन जाने का पकड़ लो इसे। Thank you.
बंदूक क्यों चाहिए थी? मैं विनती करता हूं, मुझे बता दो तुम्हें बंदूक क्यों चाहिए थी? किसी का खून करने के लिए। खून तजदीद। सर आप कहाँ हैं? क्या बात है बबलू? दशु ये लड़की है ना, ये कहती है वो किसी का खून करना चाहती है। खून? तुम्हारा तजुर्बा क्या कहता है? बबलू मेरा 35 साल का तजुर्बा कहता है खून नहीं, बल्कि कल जो लड़कियां तुमने पकड़ी हैं, ये उन्हीं को छुड़ाने आई है। शाबाश। बुलाओ उन छह को। हाजिर हो। गूंगी, कटारी, मोटी, बेवड़ी, हेरा फेरी, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। पहचाना अपनी सहेलियों को? कौन ये घटिया सूरत है? क्या बोली रे घटिया? बड़ी बार अल्लाह, मेरा नाम भी तड़ी पार है। एक हाथ दूंगी तो इस दुनिया से तड़ी पार हो जाएगी। मैं भी बिजली हूं, छूंगी तो जल के राख हो जाएगी। अरे खामोश, इंस्पेक्टर बबलू के होते हुए पुलिस स्टेशन में डिंग डोंग। मेरा काम हो गया है, मैं चलती हूँ। अगर तुम लोग भागना चाहो तो भाग सकती हो। तुम नहीं भाग सकती, शहर के बाहर हर तरफ पुलिस चौकी है, पकड़ी जाऊंगी। नहीं पकड़ी जाऊंगी, क्योंकि तू ही हमें पुलिस जीप में शहर के बाहर छोड़ आएगा। कौन मैं? हाँ। यानी कि पुलिस अपराधियों को छोड़कर आएगी? अरे कैसा जमाना आया है। Thank you.
दहशत सिंह रुक जाओ सर आप यहाँ? वो सातों बिजलियाँ कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रहा, मुझ पर टूट पड़ी। तुम्हारा तजुर्बा क्या कह रहा था? वो सातों मिली हुई थी। अच्छा, इसीलिए तुम आज तक हवलदारी हो। अबे, छह उस तरफ गई और एक इस तरफ। वो मिली हुई नहीं थी। अबे मुझे खोलो। यही वो जीप है जिसमें वो लड़कियां भागी थी। आसपास का इलाका छान मारो, वो यही कहीं होगी। इसका मतलब अब हमें यहां से भी भागना होगा।
कब तक भागते रहेंगे? कभी ना कभी तो पुलिस हमें पकड़ ही लेगी। खैर तुम एक काम करो, तुम सबको तैयार करो, तब तक मैं गाड़ी का बंदोबस्त करती हूँ। अब की बार हम ऐसी जगह जाएंगी जहां आसपास ना पुलिस होगी ना पुलिस की चौकी। सर सब जगह देखा और बहुत से लोगों से पूछा, ना लड़कियों का ही पता है, ना दहशत सिंह और ना इंस्पेक्टर बबलू का। वो दोनों जरूर उन लड़कियों का पीछा कर रहे होंगे और उन्हें गिरफ्तार करके ही लाएंगे। हमें अपनी तलाश जारी रखनी चाहिए, जहां लड़कियां होंगी वहीं बबलू और दहशत मिलेंगे। अब हमारा क्या होगा? इंस्पेक्टर साहब को हमारी काबिलियत और बहादुरी पर इतना विश्वास, इसका मतलब हम लोग पुलिस स्टेशन वापस नहीं जा सकते। क्यों, तुम्हारा तजुर्बा क्या कहता है? मेरा तजुर्बा कहता है कि जब तक हम लड़कियों को गिरफ्तार नहीं कर लेते हम चीफ को अपनी शक्लें नहीं दिखाएंगे। करेक्ट, तुम बहुत दूर की सोचते हो। पुष्पा, पुष्पा, ये नई नवेली दुल्हन की टूटी हुई चूड़ियां देखी तुमने? हाँ, वो जालिम चीता डाकू आज फिर उसने एक शादी को बर्बादी में बदल दिया। उसकी हम गांव वालों से दुश्मनी क्या है? क्यों इस तरह से वो लड़कियों का जीवन बर्बाद करता है? सुना है हमारे गांव की एक लड़की से चीता प्यार करता था, मगर वो शुरू से ही आवारा और बदमाश था, इसलिए गांव वालों ने उसकी शादी उससे होने नहीं दी। तो उस लड़की का क्या हुआ? गांव वालों ने कहीं दूर उसकी शादी कर दी, बस चीता शैतान बन गया। गांव वालों के खिलाफ उसने कसम खा ली कि इस गांव में किसी की शादी नहीं होने देगा। राजू, चीता डाकू से तो ज्यादा मुझे तुम्हारे पिताजी का डर है। वो हम दोनों की शादी कभी नहीं होने देंगे। तुम इसीलिए डरती हो ना कि तुम गरीब हो और मेरे पिताजी ठाकुर? घबराओ मत, पिताजी को तो मैं मना लूंगा और फिर हमारी बिजली दीदी भी तो हमारे साथ है। पर दीदी को गए हुए भी तो कितने दिन हो गए, बोल के गई थी कि जल्दी ही लौटेंगी। दीदी लौटेंगी, मेरा दिल कहता है दीदी जरूर लौटेंगी। बोलो तो एक बात बोलूं सुखिया। आज्ञा हो मालिक। तुम्हारी बेटी के दिन बदल गए हैं। ये ले तू, एक दो, 200 रुपए। बाकी का आधा उस दिन मिलेगा जिस दिन तेरी छोटी वाली बड़ी हो जाएगी। आप बड़े दयालु हैं ठाकुर साहब। तू फिक्र क्यों करे सुखिया? ठाकुर साहब गजब हो गया। तू हमेशा गलत टाइम पे आवे है। इस लड़की नू ले जा और शहर भिजवा दे। इस लड़की को तो भिजवा दूंगा, पर जो शहर से आई है उसका क्या होगा? कौन आई है? मल्टर की बेटी। बिजली? हाँ, बिजली। लागे टाइम खरवा गए। दीदी अब यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे गांव से चले जाने के बाद ये स्कूल सिर्फ नाम का स्कूल रह गया है। अब यहाँ कोई बच्चा पढ़ने नहीं आता। मैं आ गया हूँ बिजली। बिजली तू चाहे तो यहाँ पढ़ा दे, चाहे तो हवेली पे चल के। तू गांव वालों की फिक्र क्यों करे है? मैं गांव वालों से नजर बचा के आया हूँ। तू ठाकुर के निकट रहेगी तो ये ठाकुर तेरे लिए सारे गांव वालों से निपट लेगा। लो बोलो तो बोलू। अरे दूर क्यों खड़ी है, मेरे निकट आ जा।
मेरे छाते के नीचे आ जा, मेरे रंगदार छाते के नीचे तेरा ये रंगदार बदन, हाय हाय हाय, तेरे से होली खेलने का दिल कर रहे है। पास मत आना ठाकुर, मेरी बंदूक भरी हुई है। चुपचाप घोड़े के नीचे। तू घोड़े के ऊपर और मैं घोड़े के नीचे। कुछ खा लो बिजली। मुझे भूख नहीं लगी, तुम खा लो, मुझे तो सिर्फ प्यास है, खून की प्यास। दीदी तुम इतने कहाँ चली गई थी? दीदी मैं उन सवालों का जवाब लेने गई थी जो गांव वाले मुझसे पूछेंगे। गांव वाले कुछ भी कहें दीदी, लेकिन तुम हमारी दीदी हो, हमारी सब कुछ हो। दीदी शिव पिस्तौल। दीदी क्या तुम? नहीं दीदी, हम तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे। नहीं दीदी, दीदी। रुक जाओ दीदी। आ गई। आजा बिजली आजा, ये मैं बोलू हूं। चली जा चली जा, ये सारे गांव वाले बोले हैं। अरे बोलो ना गांव वालों। हजूर। अरे बोलो ना गांव वालों, बोलो क्या इल्जाम लगाओ तुम इस पर? हजूर ये बदकार है। हट। मैं तो इसे अबला बोलू, अबला बोल लो तो बोल लो। सारे गांव वाले जाने हैं कि मेरे दिल में गरीबों के लिए कितनी हमदर्दी है। अरे बिजली कहाँ जाती है? तेरे लिए तो मेरी हवेली के दरवाजे अब भी खुले हैं। तू रात में पिछवाड़े से अंदर आ जाना, दिन में तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, पर रात में हम दोनों खेलेंगे लंगड़ी। ठाकुर लंगड़ी तो एक टांग से खेलते हैं, मैं तो तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? नहीं तो भून के रख दूंगी। अब तो खेल लेगी लंगड़ी। लंगड़ी खेलेगा? पकड़ लो इसकी टांगे। अब तो खेल लेगी ना लंगड़ी।
नहीं। मैंने कहा था ना केला खा ले, अब मार खा। हिसाब बराबर कर दिया है। उस दिन पुलिस स्टेशन में मैंने तुम्हें बचाया था, आज तुमने मेरी जान बचाई है। अब तुम जा सकती हो। ए, तेरी खोपड़ी में भेजा है या भूसा? समझती नहीं हम क्यों आई हैं यहाँ पे? हमारे पीछे है पुलिस, उन्होंने हमको पकड़े और तुम्हारे बारे में पूछे तो ये मत भूलो रानी कि पुलिस वालों के साथ मारामारी तुमने भी की थी। हम पकड़े गए तो तू भी जेल जाएगी, समझी? तुम लोग जाती क्या हो? जगह रहने के लिए और पुलिस से बचने के लिए ये जगह एकदम साफ है ना? अरे साफ नहीं, सेफ है। वही ना। ठीक है, तुम रह सकती हो, लेकिन एक शर्त पर कि तुम में से कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आएगा। तू अपना काम कर रानी, हम अपना काम करेंगे पान जमा के। दूर दूर नीचे जा। चल चल, खबरदारी इस मंदिर की सीढ़ियों पर पाँव रखा तूने, चल। साला चोर कहीं का, कहां ले जा रही इस चोर को? अरे चाकू मार गई। अरे इस ब्राह्मण को, गरीब ब्राह्मण को पाप लगेगा, पाप, सीधा नरक में जाए। चले आते हैं कहां से। अरे अरे क्या कर रही है? अरे 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 राम 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 राम, सब सत्यानाश। राम 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 राम, अरे क्या करिए? अरे राम 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 राम। अरे यार मुझे भूख लगी है और ये तो लकड़ी उठा के लाई है, वो भी सूखी हुई। भूखा भूखा भूखा, एक दिन खा खा को तेरा पेट ही फट जाएगा। तेरा नहीं फटेगा क्या? बेवड़ी बेवड़ा पी पी के। ए, चुप, लफड़ा नहीं। अपुन जो बोलता है वो सुनो। अपुन अखा गांव घूम कर आया है ये पान जमा के, और तुम लोग के मतलब की खुशबू चुरा के लाया है। ए बेवड़ी, तेरे लिए यहाँ बेवड़ा भी है। अच्छा? हाँ, और हेरा फेरी तेरे लिए यहाँ पत्ते भी है। तभी खुजली मिटेगी। और कटारी
तेरे लिए यहाँ अखाड़ा सिंह का अखाड़ा है। अच्छा मोटी, तेरे लिए मिठाई की दुकान है। तो भी चलो, देर किस बात की। चबे मिठाई मिठाई, मिठाई। ये तो सिर्फ खुशबू है, असली माल तो ठाकुर है। ठाकुर? अरे हाँ, उसकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहती है। हाँ? तुम लोग सब एक काम करो, काम में घुस जाओ और धमाका कर डालो पान जमा के। फिर क्या होगा? फिर क्या, धमाके की आवाज सुनकर ठाकुर जरूर आएगा। फिर? फिर उसकी तिजोरी हमारे बैग में और हम यहाँ से फिर पान जमा के। ए, बहुत अच्छे हैं लड्डू के पैसे। अबे ओ, पैसे मांगता है। 101, 102, 103, 104, 105। अखाड़ा से अखाड़े में खड़ा रहता है या गिर जाता है? ए छोकरी, कौन है तू? अखाड़े की पहलवान। हाँ तो भाइयों, 1 10 का नोट लगाओ और 100 की पत्ती ले जाओ। 1 का 10, 1 का 10, 1 का 10। इधर देखो, एक भारी भरकम पहलवान और इधर एक हल्की फुल्की सी हिरनी। इसमें सोचने की क्या बात है भाई, 10 रुपया लगाओ, 100 रुपया ले जाओ। ये हिरनी इस पहलवान को मारेगी। नहीं मार सकती। मारेगी बाबा, मारेगी। जो जीतेगा उसे 100 रुपया और जो हारेगा उसे भी मिलेगी। क्या? अंग्रेजी स्टाइल में पप्पी। मेरा एड्रेस आने दे। पैसे तो डाल दिए हैं, पत्ते दिखा। अरे 2 बटन तो गए, अब तीसरा भी जाएगा। मुझे तीसरा इक्का चाहिए। माटी मिली, दारू में नशाइच नहीं। लड़की मैंने शो मांगी है, पत्ता खोलो। हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी। ये मेरा पत्ता है और मैं ही खोलूंगी। ओए ओए, कितना चिकनाई, किसी का भी दिल फिसल जाए। अंग्रेजी अंग्रेजी। चिकने, तेरी शादी हुई क्या? नहीं तो, अभी नहीं। खाली मत है, खूब खुश करेंगे अपनी लुगाई को। डालू ना, मैं डाल लेती। अब तो पत्ता खुले ही खुले। गोली उसी के पास होती है जिसके पास बंदूक होती है। बहुत हो गया जी, तुम्हारा दारू बहुत तज्जा। भाई साहब, ये आपको क्यों मार रही है? बताओ क्यों मार रही है? बेशरम शर्म नहीं आती लड़की? अरे भाई साहब, लड़की ने क्यों मारा आपको? अरे वाह राणा, अपुन भी आ रहा बाप।
वरना एक एक को भून के रख दूंगा। इसमें असली गोली है। अगर गांव का सुख चैन बिगाड़ा तो सबको भून के रख दूंगा चन्ने की तरह। चल दोस्त लो, बोलो तो बोलो। अजी कैसी दोस्ती? मैं देख चुका हूँ तुम्हारी दोस्ती। अरे देखी है चखी नहीं, चखता है क्या पान? पान तो तुझे मैं सुबह शाम अपने हाथों से खिलाऊंगी, पान जमा के। पान क्या है ना, तुम अपने को दुश्मन समझता है। लो, बोलो तो बोलो। अरे लड़कियों से मेरी काय की दुश्मनी? तो फिर हो जाए दोस्ती, आज ही रात तेरी हवेली में हो जाए। हो जाए। ठपुरा, सुनो ठपुरा, ठपुरा।
कहाँ जाऊँ, किसके सामने रहूँ? अरे सामने जाने लायक भी नहीं रहा, ना ऊपर कुछ है ना नीचे, नहीं दिखा सकता हूँ तेरी दुआ से। क्या हुआ ठाकुर? लो बोल लो तो बोलू, पूछे क्या हुआ? अरे टेम खराब आ गए हुए। अरे अब तो टेम भी नहीं रहा, घड़ी भी नहीं रही और कपड़े भी नहीं रहे, सब कुछ खाली कर गई है मुझे और मेरी तिजोरी को भी। वो तेरी सहेलियाँ, अरे खुद तो चली गई ऐश करने और पीछे छोड़ गई उनको मुझे लूटने के लिए। अरे मैं सब समझू, इस गांव में आज तक ऐसा डाका नहीं पड़ा है और इस डाके की जिम्मेदार है तू 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 तू। ठाकुर अगर तेरी झूठी जुबान से एक भी बात सच निकली है तो मैं सच कहती हूँ, वो इस गांव में नहीं रहेंगी। गुरु मेरे लिए एक पेड़ी नहीं जार दारू की, बस दारू। हाँ और मेरे लिए है ना एक थाल लड्डुओं का और एक बाग केलों का, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मान गए गुरु, ठाकुर को तो पता ही नहीं चला और सब माल ले लिया। अब यह रुकना नहीं चाहिए, भाग चलते हैं पांडे मगर। भागो मगर माल मुझे देकर। तुझे? ठाकुर का माल उसे वापस करना होगा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि तुम लोग मेरे साथ रह रही हो और मैं कोई चोर नहीं हूँ। तू चोर नहीं तो कुछ और होगी, इसीलिए तो सारा गांव तुझसे नफरत करता है। हम तुझे अपना माल नहीं देंगे, समझी? आइला मेरी डबल रोटी आ गई। तुम माल वापस करोगी, अब बोलो दे दू पुलिस को माल और कह दू कि तुम सबने चोरी की है। ठाकुर की गवाही से तुम सबको 6-6 महीने की जेल हो जाएगी। गुरु जेला में दारू नहीं मिलेगा। हाँ और खाना भी नहीं मिलेगा, मैं नहीं जाऊंगी। सोच ले गुरु, वहाँ तेरा पान भी सूख जाएगा। अरे मेरे पान की फिक्र मत करो, मुझे तो थानेदार अपने हाथ से बनाकर खिलाएगा और चक्की भी पिसवाएगा पान जमा के। मेरी मानो तो मैं तुम सबको जेल जाने से बचा सकती हूँ। नको गुरु नको, मान जाओ हमको जेला में नको जाना। गया मेरा दारू। ठीक है दे दो इसको मार। दशरथ सिंह। यस सर। ये तो वही लड़की है। यस सर वही है। ये हमारी तरफ क्यों आ रही है? सर मेरा 35 साल का तजुर्बा कहता है ये अपने आप को गिरफ्तार करवाने आ रही है। क्या आप हमें गिरफ्तार करने आए हैं? दहशत सिंह तुम सचमुच बहुत समझदार हो। आप भी एक समझदारी की बात कीजिए। क्या आप शादी कर लीजिए? कौन मैं और तुमसे शादी? नहीं नहीं मुझसे नहीं,
वो नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। देखिए अगर आप उसके साथ शादी कर लेंगे तो उसके बाद हम सब आपके साथ पुलिस स्टेशन चली जाएंगे। हाँ ऐसी बात है तो ठीक है, क्या ड्यूटी के लिए हम खुद कुर्बानी दे सकते हैं। हाँ हम जरूर करेंगे। गुड, कहाँ है वो? ये साला गांव ही गूंगे बैरों का है, ना कोई बोलता है ना कोई सुनता है। शादी के नाम से तो ऐसे भागते हैं जैसे मैं उन्हें शमशान ले जाने वाली हूँ। देखो हेरा फेरी, ये जो बिजली है ना, ये बिना मतलब के मोटी की शादी नहीं करवा रही। जरूर इसकी कोई गर्ज होगी जो मोटी की शादी करवा रही है। मैंने एक बुड्ढे को बड़े प्यार से आंख मार के पूछा तो उसने मुझे इतना बताया है कि शादी का मतलब है डाकू। बरसों से जब भी इस गांव में किसी की शादी हुई है, सारा गांव दरवाजे खिड़कियां बंद करके अपने घरों में छिप जाते हैं। बहुत हराफ आई साली बिजली, हमने जो ठाकुर का माल उड़ाया था वो तो हमसे लेकर वापस कर दिया, और खुद साली लंबे माल के चक्कर में है। कैसा माल? जरूर डाकू के सर पर सरकारी इनाम होगा। ये शादी के चक्कर में मोटी को बलि का बकरा बनाएगी और खुद डाकू को पकड़कर पुलिस से इनाम ले जाएगी। यानी हमसे हेरा फेरी? तू मत घबरा हेरा फेरी, तू सारी लड़कियों को शादी में लगाए रखना। मेरी नजर तो होगी सिर्फ बिजली पे, फिर आएगा डाकू और उसके सर का इनाम मिलेगा हमें। बिजली को मिलेगा ठेंगा पान जमा के। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणवत दुर्गा मंगलम करुणात उपाध्याय मंगलाय श्री हरि। लगता है वो नहीं आया। चीता 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 ठाकुर का कुत्ता। सरदार सरदार मेरा कसूर क्या है? कसूर तेरा कसूर? कसूर है तू मरा क्यों नहीं? मैंने तो ये सोचा था कि तू मरेगा, और चीता की सोच को मौत भी धोखा नहीं दे सकती। तेरे पांव तले की जमीन और भेज दूंगा तुझे पाताल में। जाओ उठाकर ले जाओ अपने आदमी की लाश के बचे हुए टुकड़े और रख दो अपनी हवेली की चौखट पर, ताकि आते जाते तुझे हर वक्त चीता का नाम याद रहे।
गांव में तो तू मेरा मुखबर है ना? तो तुझे मालूम नहीं मुझे सिर्फ तेरे गांव की दुल्हन चाहिए। बोल। मैंने तो शादी का मंडप बनते हुए देखा था। बर्बाद कर दूंगा तेरे गांव की हर शादी, खोद के रख दूंगा हर नई सुहागन के सुहाग की लकीर। मेरी आंखें धोखा खा गई थी चीता, लेकिन चीता की आंखें कभी धोखा नहीं खाती। जा ठाकुर जा, तेरा वक्त अच्छा है कि इस वक्त चमकी के पांव में घुंघरू नहीं है। और हाँ, चीता को भी तेरी जरूरत है। उस बेवकूफ मास्टर की बेवकूफ लौंडी और उसकी टोली पर नजर रखने के लिए जा, तुझे छोड़ा और जो है वही बना रहे। ठीक है, लेकिन आइंदा झूठी खबर मत देना। कभी नहीं। बना तेरी घड़ी की सांस और तेरी सांस दोनों एक साथ बंद कर दूंगा, समझे? जाओ ठाकुर जाओ जाओ। सर, शादी मुबारक हो सर। तुम्हें भी मुबारक हो। मुझे? शादी आपकी हुई है सर। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ड्यूटी दे रहा हूँ सर। नहीं नहीं तुम यहाँ नहीं ठहरना, तुम जाओ, ड्यूटी मैं दे रहा हूँ यहाँ। आपकी ड्यूटी यहाँ नहीं सर, वहाँ है। अब आप जाइए सर, मगर हथियार तैयार करके। दहशत सिंह, अगर सामने वाला भी हथियार खोलकर खड़ा हो तो? सर, मेरा 35 साल का तजुर्बा कहता है कि मुजरिम पुलिस के सामने हथियार उठाता नहीं, डर जाता है। शाबाश। एक बात बताना, बिजली ने मेरी ही शादी क्यों करवाई? दीदी दीदी दीदी, अब हमें किसी बात का डर नहीं रहा। सारे गांव में बात फैल गई है कि गांव में शादी हुई है और चीता ने हमला नहीं किया। इसमें भी चीता की कोई चाल होगी, मगर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगी। मर गया, मर गया। अरे कैसा प्यार है तुम्हारा, मुझे गोली मार दी। नहीं प्राणनाथ, मैंने गोली नहीं मारी, सिर्फ एक पप्पी दी है। अरे बाप रे, ये पप्पी है, इसके आगे क्या होगा? प्राणनाथ, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। अरे नहीं, छोड़ मुझे, मैं जा रहा हूँ। तुम भागो यहाँ से, मैं इनसे निपटती हूँ। सरदार ने तो कहा था यहाँ सात होंगी, मगर यहाँ तो एक ही बंदूक वाली है। इसे ले चलते हैं और बाकी की अपने आप खुद ब खुद चली आएंगी। चलो बिजली।
मानो गुरु, तो यहाँ से खिसक चले। क्यों? अरे पुलिस से बचने के लिए यहाँ आए थे कि बिजली के घर में कोई खतरा नहीं, लेकिन यहाँ तो खतरा ही खतरा है। डाकुओं का पूरा गिरोह बिजली के जान के पीछे पड़ा हुआ है। हाँ यार, आखिर बिजली ने किया क्या है? गांव वाले उसे पसंद नहीं करते, ठाकुर से चैन से बैठने नहीं देता, डाकुओं से भी उसकी दुश्मनी है, और वो खुद रात भर न जाने कहाँ गायब रहती है। कल शमशान में भी ना जाने किस लाश की राख पहचानने की कोशिश कर रही थी। देखो गुरु, आज गांव के बाहर हमला हुआ है, कल स्कूल में भी हमला हो सकता है। गोलियां चली तो जरूरी नहीं कि बिजली पर ही चलें। हम में से कोई भी निशाना बन सकता है, और मैं बिन आई मौत मरने को तैयार नहीं। इससे अच्छी तो शहर की हवा लाती है, क्यों? अरे भाड़ में जाइए गांव, बिजली और डाकू, हम आज ही रात शहर की तरफ निकल पड़ते हैं पान जमा के। क्यों? स्टार्ट हो जाएगी, अब मैं चली। पागल हो गई है? तू हमारे साथ नहीं चलेगी? मैं तुम लोग के साथ कैसे आ सकती हूँ? अब मैं सुहागिन हूँ ना। आए हाय, सुहागिन! सुहाग रात तो एक तरफ, सुहाग दिन तक नहीं बनाया, सुहागिन बन चली है, माटी मिली। तुझे क्या आग लग रही है? तुझे क्या आग लग रही है? मैं तो अपने सिपहिया के साथ ही रहूंगी। हाँ, तू क्या अपने सिपहिये की शीरी बनेगी? तू अपने साथ चल, वहां पे बहुत से सिपहिये मिल जाएंगे। वो सो गई है। सोने दो साली को। हमारे हाथ लगा हुआ माल साली ठाकुर को वापस करवा के बड़ा रोब जमा रही थी। अब जब कल सुबह उठेगी, अपनी तिजोरी को साफ देखेगी, तो साली को पता चलेगा पान जमा के। ऐसे नहीं खुलेगी, मैं खोल देती हूँ। लो मेरी सारी दौलत, सारे जेवर, इस मंगलसूत्र के सिवा तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये लो, इसके 6 टुकड़े करके आपस में बांट लो और चली जाओ यहां से। जिनकी खुद की जिंदगी टुकड़े टुकड़े होकर जगह जगह बिखरी हो, वो दूसरों के अरमानों के टुकड़े क्या करेंगी? मैंने कहा ना, चली जाओ यहां से। नहीं बिजली, हमें गलत मत समझो। जिस तरह तुमने अपने दिल में दुखों का ज्वालामुखी दबाया हुआ है, उसी तरह हम सब भी समाज की भट्टी में अपना प्यार, अपना सुख, अपनी खुशियां जला चुकी हैं। बिजली, हम 6 पहली बार एक दूसरे के साथ जेल में मिली, और जीने का मकसद जाने बगैर हम साथ साथ जिंदा रहने का फैसला कर लिए। मगर आज, आज तेरे इस मंगलसूत्र ने हमारे बिन डोर की पतंग वाली जिंदगी को डोर बांध दिया है। तेरे आंसुओं ने हमारे दिलों में सोई ममता का आंचल भिगो के उसे फिर जगा दिया है। अब हमें अपने आप से अलग मत समझो बिजली, अपने दुख में हमें भी अपना साथी बना लो। हमें बताओ, ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले में क्यों नहीं है? तुम हर रोज अपने हाथ में बंदूक लिए किसका इंतजार करती रहती हो? इस गांव से तुम्हारा क्या रिश्ता है, जहां सब तुमसे नफरत करते हैं? अगर ये मंगलसूत्र तुम्हारा है, तो तुम्हारा मंगल सुहाग कहां है? वो हमसे मुंह मत फेरो बिजली, अपनों से मुंह नहीं फेरते, अपने बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आ, 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 आ,
साहब, जो कुछ भी आपने सुना वो बिल्कुल ठीक है। मास्टर जी, हमें लोगों के दिल से चीता का डर दूर करना होगा, जुल्म की उस आवाज का गला घोट देना होगा जो कि चीता की आवाज है। मैं तुम्हारे हिम्मत की दाद देता हूं, मगर मैंने अपनी आंखों से शादियां बर्बादियों में बदलती देखी हैं। तुम मेरी बेटी के साथ शादी करना चाहते हो, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, मगर शादी इस गांव में नहीं होगी, तुम कहीं बाहर जाकर कर लो। मास्टर जी, मैं इस गांव का फॉरेस्ट ऑफिसर हूं और मुझे यहां 5 साल रहना है। बदकिस्मती से मैं अकेला हूं, ना कोई रिश्तेदार ना घर। सबसे बड़ी बात यह कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं और मैं उसे शादी करना चाहता हूं, आज और यहीं, वरना इस गांव में कभी शहनाई नहीं बजेगी। अब की बार जब चीता इस गांव में आएगा तो उसे ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो उसके सामने गिड़गिड़ाएगा। पहले मैं उसे जबान से समझाऊंगा, अगर नहीं माना तो फिर वही करूंगा जो एक पागल कुत्ते के साथ किया जाता। लो, बोलो तो बोलो, ये तो अपने हाथ से अपनी चिता जलाने वाली बात हुई। अरे क्यों मास्टर, क्या तुम्हें अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी प्यारी नहीं है? जवाब उधर नहीं, इधर है ठाकुर, मुझसे बात करो। तू चीता डाकू से मुकाबला करेगा? हाँ, और तुम जाकर सो जाओ, गोलियों की बरसात में भीगोगे तो नजला जुकाम मौत बनकर लग जाएगा। ठीक है, तुम लोग पछताओगे, बता देता हूँ। भाग भागो, भागो, भागो। Thank you.
जीते रहो बेटे, जीते रहो, सदा सुखी रहो। घोट डालूंगा तेरी आंखों के सामने तेरी कब्र, और डाल दूंगा अंदर सिर्फ तुझे। जो दूसरों के लिए कब्रें खोदते हैं वो खुद उन्हीं में गिर जाते हैं। तू चीता का मुकाबला करना चाहता है, हैं? जुल्म का मुकाबला करना हर किसी का फर्ज है। देखो तुम जो कुछ भी कर रहे हो बेवकूफी है। खोद डालूंगा, हाँ सबके सबको खोद डालूंगा। तुम मत जाओ मुझे। तुम रुक जाओ बेटी। नहीं, को मैं अकेले खोद डालूंगा, कोई लगा नहीं। डालेगा Thank you.
और यही आग है जो मेरे तन मन को जला रही है। आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ चीता से बदला लेने के लिए, वरना वरना मर तो मैं उसी दिन गई थी जिस दिन मेरा मंगलसूत्र मेरे गले में पड़े पड़े टूट गया था। वो शैतान सिर्फ तुम्हारा ही दुश्मन नहीं, पूरी औरत जात का दुश्मन है, हम सबका दुश्मन है बिजली, लेकिन वो शिकार सिर्फ मेरा है। खोद के रख दूंगा उस गांव को और इंसाफ के साथ बिजलियों को, आज रात को, आज रात को, आज रात को। सुनिए, क्या है? हमारी एक सहेली जख्मी हो गई है, मैं डॉक्टर साहब को लेने आई हूँ। अच्छा, तो तुम उन बदमाश लड़कियों में से हो, जाओ, वैद्य जी नहीं है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, डॉक्टर साहब को भेज दीजिए। कहा ना वो नहीं जाएंगे। अपनी उस सहेली को बाहर ले जाओ और उसके साथ साथ तुम छह भी दफा हो जाओ इस गाँव से हमेशा के लिए, समझे? क्या हुआ? वैद्य नहीं आया? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बदन में तेल तेल होगा। घबरा नहीं, इसे कुछ नहीं होगा। देखो, तुम एक पतीले में गर्म पानी करके ले आओ और बहुत दर्द हो रहा है। चाकू है ना, गर्म करके आओ, एकदम गर्म करना, समझी? क्या तुम गोली निकालोगी? और कोई चारा नहीं तेरे पास। पानी, पानी, पानी। घबराओ नहीं मोदी, तुम्हारी गोली मैं निकालूंगी। तुम अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो। बहुत दुख रहा है, तुमने हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है मोटी, कोई नहीं, हम सबको नई जिंदगी दी है तुमने। हम छह इतने सालों से एक साथ रहे
अब एक कभी साथ ना होना सोचकर ही अजीब सा डर लगने लगता है। सच पूछो तो हम छह जिस्म एक जान है। नहीं तड़ीपार, आज से हम सात जिस्म और एक जान है। मोटी खाना खाना चला रही है और घर का सारा खाना बेकार हो चुका है। खाना गांव में मिलेगा, क्या तुम जल्दी जाकर ले आओ। मेरी सहेली भूखी है, उसे दूध चाहिए। अरे दूध कहाँ है, जब से तुम मनहूस इस गांव में आई हो गाय भैंसों ने दूध देना ही बंद कर दिया है। तो फिर ये क्या है? ये दूध बेचने के लिए नहीं है। तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो। इतना ही दर्द अपनी सहेली का है तो गांव की गाय भैंसों के पैर पकड़ो। अगर मुझे अपनी सहेली की चिंता ना होती तो मैं तुझे छठी का दूध याद दिलवा देती। अगली बार जब मैं इस दुकान पे आऊं अपनी इस भैंस को अंदर रखना, वरना। मुझे बहुत भूख लगी है। तेरे को खाना हो ना? अभी आता, अभी आता। कोई भी हमें कुछ देने को तैयार नहीं, सारा गांव हमसे नफरत करता है। खाना एक ही जगह मिल सकता है। मोहर सिंह, मुर्गा बनाया या कौवा? ठाकुर। अरे बिजली, तू तू खाना फेंक रहा है? मैं और मेरी सहेलियां भूखी हैं और एक तो बहुत बीमार है, मुझे उसके लिए खाना चाहिए। खाना तो बहुत है, बेशुमार है, मगर सिर्फ तेरे लिए, तेरी सहेलियों के लिए तो खाना गांव में बहुत है। तुम्हारी मेहरबानी से हमारे लिए इस गांव में कहीं खाना नहीं है। लो बोल लो तो बोल लूं। यूं कहो कि मेरी मेहरबानी चाहिए। आज तो मेहरबानी कर ही दो ठाकुर साहब। ऐसे मुफ्त में नहीं, हाँ मेहरबानी के बदले में तू कुछ दे दे तो। क्यों रे, तुझे भूख नहीं लागे? मैं सबको खाना दूंगा, तुझे तो जिंदगी भर दे सकता हूँ। हरामी, भगवान तुझे कुत्ते की मौत मारेगा। ठाकुर, याद रखना, अगर मेरी सहेली को कुछ हो गया तो मैं तुझे मुर्गी क्या रोटी खाना भी भुला दूंगी, तुम सबके दांत तोड़ दूंगी मैं, समझे? अरे जाती कहाँ है बिजली, लाके है पानी बरसेगा, और ऐसे मौसम में तू सारे दांत तोड़ देगी तो कोई बात नहीं। आजा, गले से लग के सब तोड़ दे। ठाकुर, बरसात से पहले बिजली चमकती है और बिजली से पहले बादल घिरते हैं। इस वक्त हमारी तकदीर पर भी बादल घिरे हुए हैं, लेकिन अब बिजली चमकेगी और ऐसी चमकेगी कि तू और तेरी हवेली जलकर राख हो जाएंगे। Thank you.
ठाकुर का आदमी। गुड गुड। ठाकुर का हवेली आज रात को, ठीक है पहुंच जाएगा। Yes. जीप कल दोपहर तक काला घाटी पर पहुंच जाएगा। गोला बारूद चीता ले जाएगा और हम तुम्हारा गांव के लड़की लोग। या पुजी इद देखो री चुम्बा चुम्बा चुम्बा। हमें तैरना नहीं आता।
साठे सोनी साठे दिल दी मलिका और कोई ना होनी साठे दिल दी मलिका और कोई ना होनी चल परियां हम आ गए देखो चल परियां हम आ गए देखो सीना चौड़ा लोहा बदल पानी में डूबती लो मारी धमाधम ठाकुर बाहर निकल बिजली हजूर लगे है टाइम खराब आ गए हो ये सब क्या है तेरे कर्मों का फल तूने सारे गांव को हमारे खिलाफ भड़काया था ना और अब सारे गांव के सामने तुझे तेरे पापों की सजा मिलेगी लो बोलो तो बोलो अरे मारे को सजा कौन देगा तुम ये लड़कियां अरे बंदूक हाथ में आ गई तो क्या ठाकुर को डरा लोगी डराऊंगी नहीं ठाकुर तुम्हारा सर सबके सामने झुकाऊंगी और तुम्हारे पापों की गठड़ी इन गांव वालों के सामने खोल दूंगी इन्हें छोड़ दो दीदी ठहरो मेरे पिताजी को माफ कर दो मेरी खातिर इनकी सारी भूल की माफी मैं तुमसे मांगता हूँ ठाकुर आज तू बच गया है तो इस लड़के की वजह से चल भाग यहाँ से मैं नहीं चाहती कि एक बेटा अपने बाप को कुत्ते की मौत मरता देखे राजू मुझे बचा लो राजू मुझे बचा लो वो लोग मुझे शहर भेज रहे हैं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी कहीं नहीं जाऊंगी तुम कहीं नहीं जाओगी पुष्पा मैं देखता हूँ तुम्हें कौन कहाँ भेज तो चलो चल कर अपने पूज्य पिताजी का गुस्सा पहले देख लो ले जाओ इसे हवेली इसके बाप के पास और मैं ले जाता हूँ चमक छल्लो को इसके बाप के पास नहीं बाबू मैं शहर नहीं जाऊंगी जब से दीदी गई है उसका कुछ पता ही नहीं अरे वहाँ दीदी और नौकरी दोनों मिल जाएंगी मुझे नहीं चाहिए नौकरी बापू मैं आपके पास ही रहूंगी अरे तुम नौकरी नहीं करोगी तो ठाकर का बाकी का कर्जा तुम्हारा बूढ़ा बाप देगा है? नहीं पिताजी ठाकुर एक पराई लड़की पर हाथ उठाने का हक तुम्हें किसने दिया है लो बोलो तो बोलू अरे तू कौन होती है पूछने वाली ये लड़की मेरे लड़के को फंसा के भागी है अपने गंदे ख्याल से मत सोच ठाकुर तेरा बेटा राजू और पुष्पा एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं सारे गांव वालों के सामने इन दोनों की शादी करवाने वाली हूँ लो बोलो तो बोलो बेटा मेरा शादी कराएगी तू चीता की कसम भूल गई क्या एक कसम मैंने भी खाई है मुझे चीता से बदला लेना है अपने बदले के लिए तू इन बच्चों को बलि का बकरा बनाएगी बच्चों की तो शादी होगी ठाकुर और बलि का बकरा बनेगा चीता चलो मेरे साथ हा? 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 मेरा बेटा अरे कुछ सुना तुमने बिजली शादी करवा रही है
पुष्पा और राजू की? हाँ शादी, इसका मतलब है चीता डाकू फिर आएगा इस गांव में, और शादी का मतलब है एक और बर्बादी, अनर्थ हो जाएगा, इसे रोको। शादी का मुहूर्त ही गलत है, शनि की संपूर्ण दृष्टि तुम पर है ठाकुर के चमचे, इसलिए तुम लोगों को इस शादी के खिलाफ भड़का रहे हो। ये शादी मैं जबरदस्ती नहीं करवा रही हूँ, राजू अपनी मर्जी से ये शादी कर रहा है, पूछ लो इससे। हाँ मैं पुष्पा को प्यार करता हूँ और उसी से शादी भी करूँगा। तुम चीता का नाम लेके लोगों को डराना चाहते हो, इस शादी को रोकना चाहते हो? नहीं रोक सकोगे, कोई नहीं रोक सकेगा, ये शादी होगी और सबके सामने होगी। मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है, तुम लोग या चीता। खोद के रख दूँ मैं बिजलियों को, खोद के, खोद के, खोद के।
मर गई? अब मजा आएगा। ठाकुर साहब पंडित गांव वालों को लेकर आ रहा है। आओ। देवी माँ, तुझसे तो कुछ भी नहीं छुपा। तू तो सब जानती है कि मैंने इन गांव वालों के लिए क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन अब मुझ में शक्ति नहीं है कि मैं इन बुराइयों से लड़ सकूं। मेरे गांव वाले मां भटक गए हैं, उन लड़कियों के बहकावे में आके वो मुझे झूठा समझ रहे हैं। लो बोलो तो बोलो, मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। चीता गांव के बच्चों को उठा के ले गया, फिर भी इन गांव वालों की आंखें नहीं खुली हैं। मां अब इस गांव की रक्षा सिर्फ तू ही करना, मुझे क्षमा कर देना मां, मुझे क्षमा कर देना। मैं गांव वालों को सही रास्ता नहीं दिखा सकता, उन्हें बुद्धि दे मां, गांव वालों को बुद्धि दे। आप लोगों ने कुछ देखा सुना? ठाकुर साहब अकेले बैठे हुए देवी मां के सामने आप लोगों की भलाई के लिए भीख मांग रहे थे, और आप लोग ठाकुर साहब को बुरा आदमी समझते हैं, आप लोग ठाकुर साहब को ढोंगी समझते हैं, आप लोग समझते हैं कि ठाकुर साहब देवी माँ के सामने बैठे हुए मुंह दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, हमने अपने कानों से सुना है। अरे ठाकुर साहब तो इस गांव में भगवान के अवतार हैं। ठाकुर साहब हमारी मदद कीजिए, हमारे बच्चे हमें चीता से वापस दिलवा दीजिए। हमारे बच्चे हमें वापस चाहिए। हमें रास्ता दिखाइए। देवी माँ बोले तो बोलूं, मैं तो सिर्फ उसका एक भक्त हूँ, आप लोगों की तकलीफों को उस तक पहुँचा सकता हूँ। तो भगवान से पूछिए ठाकुर साहब, हमें हमारे बच्चे चाहिए। ठीक है ठीक है, तो फिर अकेले में मुझे देवी माँ से प्रार्थना करने दीजिए। और हाँ, सब ठीक हो जाएगा, आप ठाकुर साहब पर विश्वास कीजिए और घर जाइए, जाइए घर। देख पंडित, मैंने अपनी आहुति तो डाल दी इस यज्ञ में, अब बाकी गांव वालों से तुम निपटो। एक बिजली तो बुझ चुकी, बाकियों की रोशनी अभी हमेशा के लिए बुझा दो। अंधेरा ही अंधेरा कर दो पंडित, लेकिन मेरे इस लाभ यज्ञ की आग को जलाते ही रखना, ताकि इस गांव में बोलूं तो सिर्फ मैं ही बोलूं, बाकी सब चुप। जो भी हाथ लगाएगा इसके शरीर को वो सीधा नरक में जाएगा, उसके सात जन्म भ्रष्ट हो जाएंगे। पड़ा रहने दो इसे यहीं, कव्वे कुत्ते खा जाएंगे। जाओ तुम सब अपने घर जाओ। इसने गांव की भलाई के लिए, गांव की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, और ये गांव के लोग डरपोक अब इसकी लाश को शमशान ले जाने के लिए डर रहे हैं। थू! जरूरी नहीं जो काम मर्द कर सकते हैं कि वो औरत नहीं कर सकती। आज समाज के रीति रिवाज तोड़ डालो, इसका क्रियाकर्म हम खुद करेंगी।
मार डाला, मार डाला मेरे बच्चे को, मार डाला मेरे बच्चे को, देख उसके कपड़े। अरे क्या हो गया रे? मार डाला मेरे बच्चे को इसने, मैं क्या करूंगी? मेरा बच्चा, मिल गई मेरी इज्जत मिट्टी में। गांव वालों कान खोल कर सुन लो, चीता ने क्या लिखा है। बाकी बच्चे मेरे पास हैं, उनकी जिंदगी चाहिए तो दुल्हन मेरे पास भेज दो। उसके बाद हर रोज एक एक करके सब बिजलियां मेरे पास आएंगी। अरे सारी बिजलियां? हाँ, हर बिजली के साथ एक बच्चा वापस भेज दूंगा। मेरी कसम नहीं टूटेगी, गांव के बच्चे नहीं मरेंगे, नहीं तो हर रोज एक बच्चे की लाश गांव पहुंचा दूंगा। अरे देखा गांव वालों, चीता से बदला लेने का नतीजा, अब उसने मेरी बहू मांगी है। अरे बहुत बोलती थी ना, चीता से बदला लेंगी बदला। ये खेल मुझसे शुरू हुआ था और इसे खत्म भी मैं ही करूंगी। चीता को दुल्हन चाहिए और मुझे चीता की लाश। ये चीता का घोड़ा मुझे उसके अड्डे तक ले जाएगा और ये दुल्हन का जोड़ा मुझे चीता के पास। मालूम था मेरी कसम नहीं टूटेगी। गांव वाले एक दुल्हन की इज्जत को बचाने के लिए अपने बच्चों की जाने कुर्बान नहीं करेंगे। कुर्बानी तो आज मैं तेरी दूंगी। तुम चल बाहर चल के पहले बच्चों को रिहा करने को बोल, चल, वरना ये पिस्तौल की छह गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगी। चीता के सामने औरतें सिर्फ कपड़े उतारती हैं, गोलियां नहीं चलाती हैं, समझे? आज के बाद तुझे ये मौका कभी नहीं मिलेगा। चल, मैं कहती हूँ बाहर चल। कभी नहीं भूलेंगे। अब उनके दिलों से चीता का डर हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। हाँ, मगर चीता तो अभी भी जिंदा है। हम भी अभी तक जिंदा हैं। You are all under arrest. हम अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देंगे, मगर चीता की मौत के बाद। दहशत सिंह, तुम्हारा तजुर्बा क्या कहता है? सर, मेरा 35 साल का तजुर्बा कहता है जब कोई बंदूक दिखाए तो अपनी बंदूक नीचे कर लेनी चाहिए। We are not on duty, sir. शाबाश, अबाउट टर्न। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट
लिप राइट लिप लिप राइट लिप दहशत सिंह ये जीप वापस क्यों आ गई है? मेरा तजुर्बा कहता है कि जीप वाला हम दो बहादुर सिपाहियों को देखकर लिफ्ट देना चाहता है। तुम ठीक कह रहे हो। वाह क्या शान है, तुम दोनों ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अभी तो सर आपका सर अकड़ जाएगा जब आप हमारी ऑपरेशन सात बिजलिया की पूरी कहानी सुनेंगे। शट अप! तुम दोनों का हुलिया बता रहा है कि वो लड़कियां तुम्हें चकमा देकर चली गई। नहीं नहीं सर, चकमा देकर कैसे जा सकती हैं? हम अभी अभी उन्हें गांव में छोड़कर आए हैं। छोड़कर आए हो? अरेस्ट क्यों नहीं किया उन्हें? वो क्या है सर, अगर हमारी जगह कोई दूसरा होता वो जरूर अरेस्ट कर लेता, लेकिन हमारी स्कीम कोई मामूली स्कीम नहीं है, हमें तरक्की भी तो लेनी है। क्यों दहशत सिंह? यस सर, मेरा तजुर्बा कहता है। तुम्हारा तजुर्बा जो कहता है वो साफ दिखाई दे रहा है मुझे, इसीलिए 35 साल से सिपाही की पोजीशन पे हो, समझे? साफ साफ बताओ कि क्या हुआ था। सर वो लड़कियां वैसी नहीं रही जैसी थी। मतलब? कानून को उन्हें अरेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो पूरे गांव को चीता डाकू से बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाए बैठी हैं। क्या कह रहे हो तुम लोग? हाँ सर, सारा गांव उनके पीछे है। तो फिर हमें शहर से और पुलिस फोर्स मंगानी पड़ेगी। ठीक है, मैं हर अथॉरिटीज को कॉन्टेक्ट करता हूँ, और तुम लोग ये बिकमंगों की सूरतें बदलो। यू आर पुलिस ऑफिसर्स एंड नाउ गेट रेडी टू अरेस्ट देम एंड चीता। ओके? यस सर। हम तुमसे क्षमा मांगने आए हैं दीदी। किस बात की? हमने तुम्हें गलत समझा, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं सारे गांव के लिए चीता से लड़ी। हम सब नफरत के काबिल हैं। नफरत के काबिल तुम लोग नहीं, तुम्हारा डर है। डर से नफरत करो, उस पर विजय पाओ, तो तुम लोगों से अच्छा और प्यारा और कोई नहीं है। तो फिर हमें अपना साथी समझो, चीता को खत्म करने में हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो फिर चीता अब जिंदा नहीं रह सकता, तुम्हारी हिम्मत ने आज उसके माथे पर मौत का तिलक लगा दिया है। लगता है भाग गया, डर गया साला। मैं जानती हूं वो कहां होगा।
तेरा सीना छन्नी करने के लिए मेरी बंदूक कितनी बेकरार है। मोड़ कर रख दूंगा हर उस गोली का मुंह जो मेरे जिस्म को छूने की कोशिश करेगी। दबा कर रख दूंगा हर उस ख्वाहिश का गला जो चीता को खत्म करने के लिए पैदा होगी। चमके तेरी जिंदगी का नाच अब खत्म हो गया है चीता। लड़के तूने चीता को जख्मी किया है और जख्मी चीता अपना शिकार कभी नहीं छोड़ता। चलो इसे स्कूल ले चलते हैं। हमारा तुम्हारा नहीं बेवड़ी नहीं। चलते हैं। तुम्हें तुम्हारा गांव मुबारक हो। इस गांव पे तुम्हारा भी तो अधिकार है। नहीं, हम तो मेहमान बनकर आए थे।
तो क्या इस तरह अपने खून का बलिदान देकर चले जाओगे और वो भी मुझे अकेला छोड़ के? तड़ीपार,